तुम्हें इस एरिया में डिलीवरी करते हो क्या? नहीं करता हूँ, वो लड़का आया नहीं है जो आता है आपके यहाँ। तो तुमको ये डिलीवरी करने को दिया गया है, इस पे वजन लिखा है 2.70 kg, क्या है 2 किलो का है ये? पैकेट तो सही है, पैकेट ना सही है। तुम देखो क्या है, तुम खुद के देखो, खोल के देखो क्या है, बताओ अपने मैनेजर को क्या है इसे। आज के दौर में लोग बाजार की भीड़ भाड़ से बचने के लिए और वस्तु को लिमिटेड दुकान से मंगाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऑनलाइन शॉपिंग करना भारी पड़ जाता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है, जहां महिला डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा ही ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई। स्क्रीन पर दिख रही डिप्टी कलेक्टर ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन से मेडिकल उपकरण का ऑर्डर किया था। जब उनका ऑर्डर उनके पास पहुंचा तो पैकेट खोलने पर उनके होश उड़ गए। एयर स्टार्ट सीपैप मंगाया था हमने, इस पे इन्होंने ऊपर यही पर्टिकुलर्स लिखे भी हैं, इस पे वजन भी लिखा है 2.70 kg, लेकिन इसके अंदर आप देखिए क्या है, इसके अंदर ये पैकेट है। तो देखा आपने, ऑर्डर पैकेज में मेडिकल उपकरण की जगह नैपकिन का पैकेट निकला। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर ने कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का दम्भ भरते हुए उपभोक्ता फोरम में जाने की बात कही। मैम आपका क्या नाम है, किस पद पर है? मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ संभल डिस्ट्रिक्ट। आपने ऑनलाइन मंगाया था, क्या प्रॉब्लम हुआ आपके साथ? हमने रेजमेट का ऑटो एयर स्टार्ट सीपैप मंगाया था और अमेजॉन के द्वारा हमें सीपैप की जगह पर नैपकिन आज डिलीवर किया गया है। कितने लोग पहुंचाने आए थे? एक डिलीवरी बॉय आया था। कितने रुपए का पैकेट था? हमारा 30,000 का ये था, 30,000 हमने प्रीपेड कर दिए थे एक सप्ताह पहले। ये कितने रुपए का आर्टिकल होगा? ये 100 रुपए का या 100 से भी कमी का होगा। क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम भी जाएंगे और FIR भी दर्ज करेंगे। हाँ, इस घटना से तो ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि आम लोगों के साथ ये फ्रॉड, बहुत इस तरह के फ्रॉड होते होंगे और वो किसी रेमेडी तक भी नहीं पहुंच पाते होंगे सामान्य लोग। तो वो लोग जो आए थे पहुंचाने के बाद छोड़ दिए या कुछ कार्रवाई कराई है? उन्हें छोड़ दिया है, अभी इनके ऑफिशियल से बात हो रही है जो अमेजोन के हैं, और अगर कल तक इन्होंने कोई रेमेडी नहीं उपलब्ध कराई तो फिर हम इनके खिलाफ जाएंगे। तो क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन मंगाते हैं, क्या करें? अब इनके लिए ये संदेश है कि ये जागरूक रहें और जब भी सामान लें तो उसको चेक कर लें और चेक करने के बाद संतुष्ट होने के बाद ही फीडबैक दें या अपना OTP उपलब्ध कराएं जो डिलीवरी बॉय लेकर आता है। आपको बता दें कि संभल जिले में डॉक्टर वंदना मिश्रा बहजोई मुख्यालय पर डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात है, हालांकि वह जिले के चंदौली में रहती हैं। डॉक्टर वंदना मिश्रा के मुताबिक उन्होंने बीते दिनों ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन पर मेडिकल संबंधी कुछ उपकरण मंगाए थे, जिसका उन्होंने 30,000 का भुगतान ऑनलाइन ऑर्डर के तहत कर दिया था। गुरुवार को डिलीवरी बॉय उनके चंदौली स्थित आवास पर ऑर्डर पैकेट लेकर पहुंचा था। जब उन्होंने डिलीवरी बॉय से ऑर्डर पैकेट खुलवाने को कहा तो उसने नैपकिन का पैकेट निकला, जिस पर उनके होश उड़ गए। ऐसे में फ्रॉड का शिकार हुई महिला डिप्टी कलेक्टर ने फौरन डिलीवरी बॉय को अपने हमराह होमगार्ड से पकड़वाया और उसे पुलिस चौकी भेज दिया। डिलीवरी बॉय से नाराजगी जाहिर करने की एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। महिला अधिकारी ने बताया कि जब उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है तो आम इंसानों के साथ कितनी धोखाधड़ी होती होगी। डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि इस मामले में उन्होंने अमेजॉन कंपनी के मैनेजर को 1 दिन का समय दिया है, अगर इस दौरान उनका ऑर्डर कराया हुआ सामान नहीं आता है तो वह उपभोक्ता फोरम में जाएंगी, साथ ही पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।